Welcome back. Communal violence in parts of Haryana has left at least 5 people dead and more than 30 injured. A curfew has been imposed in Gurugram and Nuh districts where schools and colleges remain shut. Mobile internet services have been suspended as well. Here's a report by Network 18's team of reporters on the aftermath of these clashes. बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा निकल रही थी, उसी दौरान एक दूसरे समुदाय के लोगों ने उनके ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी और उसके बाद दोनों समुदाय के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो पुलिस पार्टी को भी निशाना बनाया जाता है और आप देख सकते हैं यहां पर इस जगह पर तमाम जगहों पर केवल पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं, कांच के शीशे टूटे पड़े हैं, यहां पर गोलियों के बुलेट के निशान यहां पर आपको देखे जा रहे हैं और कई पुलिसकर्मी जो है इस घटना में घायल हुए हैं। मेवात में हुए विवाद के बाद अभी भी स्थिति काफी तनावपूर्ण है और आप ठीक मेरे पीछे देखिए किस तरह से मेवात पुलिस के अलावा अन्य जिलों से भी पुलिस को बुलाया गया है और स्थिति को काबू करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल पुलिस के ठीक उस तरफ सामने जो है उपद्रवी हैं और लगातार फायरिंग कर रहे हैं पुलिस के ऊपर और पुलिस भी अपने बचाव में लगातार फायरिंग कर रही है और कोशिश कर रही है कि इनको यहाँ से खदेड़ा जाए। I'm currently at the place at which I'm reporting from. It's in Nuh, and this was one of the epicenter of the violence that broke out yesterday. If you could see in the visuals, the manner in which absolutely there is absolute carnage that has broken out over here since yesterday. People who have been detained, they are being questioned to identify the culprits. Force is deployed at all religious institutions in Gurgaon and nearby areas, particularly areas with higher footfall and those where religious institutions are there. Schools and colleges, seeing the situation, have also been shut at least for today. Social media is being closely monitored and dedicated teams have been set up to control and to contain rumor mongering. Situation abhi under control hai. Ye kaise shanti permanent sthapit ki jaye? और जो लेफ्ट सेस हैं और जो कहां हम इस सिचुएशन को और बेहतर कर सकते थे और इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए पीएचक्यू से स्वयं डीजीपी महोदय इसकी समीक्षा कर रहे हैं और एक एक पहलू की मॉनिटरिंग की जा रही है। पुलिस ने और जो केंद्र सरकार की ओर से हमने निवेदन किया था, वहां से जो केंद्रीय सुरक्षा बल 16 कंपनीज वहां पहुंच चुकी हैं, 30 कंपनीज हरियाणा पुलिस की भी वहां पहुंची हैं। इन सब ने नू में स्थिति को सामान्य किया है। अभी तक सब मिलाकर 44 के आसपास एफआईआर हुई हैं और 70 लोगों के खिलाफ अभी नामजद उनको किया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। गृह मंत्री कह रहे हैं कि हमने पर्याप्त जो है बल तैनात किया है। दूर वही मैं कह रहा हूँ, अब पर्याप्त उन्हें भेजा होगा लेकिन पहले जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है जो मैंने सुना है। मूविंग ऑन, एटलीस्ट 7